हेलो भाई, नमस्ते। आज सुबह सुबह आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो पैन कार्ड का रिसाइज फोटो है, जहां से पैन कार्ड का फोटो रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर रिसाइज कर सकते हैं। इसको कुछ दिन का प्रॉब्लम था, इसी के लिए हम पहली सुबह से इसी के एक वीडियो बना रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए छोटा सा। तो चलिए, देखने के लिए आपको डायरेक्ट आपको रिटेलर पैनल में जाइए। रिटेलर पैनल में आने के बाद आप डायरेक्ट पैन कार्ड का यूटीआई पैन कार्ड का ऑप्शन आने के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट रिसाइज में आइए। आने के बाद देखिए, आपको इसी तरफ से एक वेबसाइट ओपन होगा। इसी तरफ से ये पहले लिखा है फोटो रिसाइज एंड सेकंड लिखा है सिग्नेचर रिसाइज। तो क्या करना होगा, हम एक छोटा एग्जांपल दिखाई दे रहा हूँ आपका। ये हमारा पैन कार्ड है, हम पैन कार्ड का फोटो निकाल रहा है। क्या इसे यहाँ पर जाने के बाद आपको कोई भी कंप्यूटर में इसी ऑप्शन होता है, ये पिन वगैरह जो हर चीज ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, तो आपको डायरेक्ट हम पिन जा रहा है। बहुत बहुत सिस्टम है, बहुत बहुत कंप्यूटर में। तो हमारा छोटा सा कंप्यूटर है, हम जाने के बाद ये फोटो हम काट लिया था। इसको क्या 300 dpi ये कुछ नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट काट के लीजिए। काटने के बाद ये सेव कर लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया। इसको हम 300 dpi कर रहा हूँ। तो देखो, इसको कोई एग्जांपल के लिए हम दिखा रहा हूँ, कोई भी इसको 7 और 8 KB तक आया है। अरे डिटेल्स में जा रहा हूँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, इसको 118+120 पिक्सल दिखा रहा है। इसको हम 300 कर रहा हूँ। तो क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है जो सिस्टम है 200 on 3 300 dpi। इसको ओनली पर क्या करना होगा, ये फाइल वाला ऊपर में क्लिक करो एंड डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स में ऊपर जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, अरे ये डाउनलोड कर लो। ये 300 dpi में हो गया है, इसी का फोटो आप साइज में रख सकते हैं, ठीक है। ये 300 dpi हो गया है आपको पैन कार्ड बनाने के लिए। दूसरा जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको ये डाउनलोड होगा, देख सकते हैं। चलिए, हम पूरा क्लिक किया, इसको ऊपर में ये राइट क्लिक किया, ये स्मूथ किया, ये देखने के लिए प्रॉपर्टी में जा रहा है। तो इसको सेम ही केबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा डीपीआई चेंज करना होता है, देखो 213/213 300 dpi पिक्सल ये हो गया है, ये क्लियर है। तो हम इसको क्या डेस्कटॉप में रख दिया है। दूसरा जो बात है, यहाँ पर सिग्नेचर, हम कोई भी एक सिग्नेचर काट लिया है, कोई भी एक सिग्नेचर, उसको वैल्यू नहीं है। ये सिग्नेचर हम डायरेक्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया जो है सिस्टम में, डाउनलोड सिग्नेचर किया तो सिग्नेचर डाउनलोड हो गया, 100 डीपीआई दिखाई दे रहा है और जो आया तो दिखाई दे रहा है। तो चलिए, हम सीधा इसको ऊपर में क्लिक कर रहे हैं। तो ये हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज में चेक करने के बाद चेक होगा, देखो सेम आया है। एक आप इंस्टेंट कंप्यूटर बना सकते पैन कार्ड। और दूसरा जो बात है, 3 डॉट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड का सामने पीठ एंड पीछे पीठ जो है, इसको कैसे पीडीएफ करना होगा। तो ये अपन लाभ लिख लीजिए, लाभ पीडीएफ देने के बाद डायरेक्ट लाभ पीडीएफ आ रहा है। इसको आप सेव कर लिखिए, ठीक है। सेव करने के बाद आपको इसको भी पहली नहीं समझ में आ रहा है, तब एक काम करो, ये लाभ पीडीएफ जो है इस तरह से क्लिक करो। डायरेक्ट ऑनलाइन में आने के बाद लिखो jpg to pdf। ये लिखने के बाद ये सेकंड ऑप्शन में आएगा labpdf.com, इसको ऊपर क्लिक करो, ये ऑप्शन आएगा। इसको 3-4 पेज, ये दूरी है, हमें तीनों का एक साथ किया, पहली सेकंड थर्ड पेज, इसको ओपन करो एक साथ में। अब जो बंगाल जो हिंदी नहीं बूझ सकते वो बंगाली से कर सकते है, थोड़ा इमेज ही है, इसको कन्वर्ट करो। और ये जो पिक्चर पहले डाला है ना, उसको 202 MB का कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो स्कैन कर रहे हैं आपको कंप्यूटर जो मैशिंग है, भाई स्कैनर मैशिंग है, उसको 150 dpi से 200 dpi से स्कैन करो, ठीक है। स्कैन करने के बाद इसको भी आप देख लो जो कितना हुआ है, ये देखो 500, ये 2 MB का अंदर अपलोड लेता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेसर पूरा सिखा दिया था। इसके के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। यूट्यूब सर्च कर लो, इसने के बाद आइए लिख लीजिए ये EPS API सर्विस, ये सेकंड वाला EPS API सर्विस। लिखने के बाद ये देखो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब करो और हर वीडियो यहाँ से मिल जाएगा आपको पैन कार्ड के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।